नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। राष्ट्रपति भवन तक पहुंची जेएनयू की आंच। राष्ट्रपति भवन तक में छात्रों का मार्च देखा गया। राष्ट्रपति भवन से पहले पुलिस ने छात्रों को रोक दिया। पुलिस ने छात्रों को शास्त्री भवन के पास रोका। पुलिस को छात्रों को रोकने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन तक जेएनयू की आंच पहुंची हुई आज दिखाई दी। पुलिस को छात्रों को रोकने के लिए लाठी चार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। राष्ट्रपति भवन तक छात्रों का मार्च देखा गया। राष्ट्रपति भवन से पहले ही पुलिस ने तमाम छात्रों को रोक दिया था। परमिशन इन्हें नहीं दी गई थी मार्च निकालने की, उसके बावजूद भी लगातार ये मार्च निकालते रहे, आगे बढ़ते रहे। पुलिस के रोकने पर भी ये राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए और भवन में घुसने से पहले ही इन्हें रोक दिया गया था। राष्ट्रपति भवन के पास तक जाने से पहले ही इन्हें रोक दिया गया था और लाठियां बरसाई गई इनके ऊपर, क्योंकि ये तमाम छात्र मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने मार्च की परमिशन मांगी थी, लेकिन मार्च की परमिशन प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई थी। तो राष्ट्रपति भवन तक छात्रों का ये मार्च, राष्ट्रपति भवन से पहले पुलिस ने छात्रों को रोक दिया है। राष्ट्रपति भवन तक पहुंची है जेएनयू की आज। जेएनयू में हुई हिंसा के बाद, बर्बरता के बाद में लगातार जेएनयू के छात्र और ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं। वीसी को हटाए जाने की मांग को लेकर लगातार ये धरने पर बैठे हैं और आज ये मार्च भी इसीलिए निकाला गया। बीसी की कार्यशैली को लेकर तमाम तरीके के सवाल जेएनयू के छात्रों ने खड़ा किया है और इसी के एवज में ये आज राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने लगे। पुलिस को छात्रों को रोकने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा, क्योंकि परमिशन इन्हें नहीं दी गई थी। राष्ट्रपति भवन पहुंचने के पहले ही इन सभी छात्रों को रोक दिया गया। रोकने के लिए लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि तमाम बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी, लेकिन बैरिकेडिंग्स को तोड़ते हुए ये तमाम छात्र लगातार आगे बढ़ते रहे। तो बीसी की कार्यशैली को लेकर तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े किए गए। 5 तारीख को जिस तरीके की हिंसा यहाँ पर हुई जेएनयू में, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं वो हिंसा बेहद निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त करने वाली है कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में तमाम बाहर से गुंडे पहुंचते हैं, हथौड़ों से मारपीट करते हैं। 2 दलों का नाम आया, एबीवीपी का नाम आया, वामपंथी दल का नाम आया, लेकिन अब मारा किसने किसे, लेकिन चोटिल यहां दोनों ही गुट के लोग हुए। सभी को अस्पताल ले जाया गया, एम्स में भर्ती किया गया, सभी की दवाई पट्टी हुई, उसके बाद में सभी को वहां से बाहर भी भेजा गया। लेकिन इस घमासान के बाद में भी ये बातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दोनों कुछ अभी भी अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि सरकार पर तमाम तरीके के सवाल उठाए गए, पुलिस की कार्यशैली पर तमाम तरीके के सवाल उठाए गए कि छात्र पिटते रहे और पुलिस बाहर परमिशन का इंतजार करती रही। वीसी ने खुद पुलिस को फोन करके इतला किया, उसके बावजूद भी पुलिस वीसी की परमिशन का इंतजार करती रही और विश्वविद्यालय के अंदर नहीं घुसी, ना ही मामले को कंट्रोल किया गया। तो पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी जेएनयू के ये छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर भी तमाम सवाल उठाए गए हैं। सरकार के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं कि सरकार ने ही यह कृत्य यहां पर करवाया है। छात्रों को कहीं ना कहीं बदहाल परिस्थिति में पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जेएनयू का जो आम छात्र है वो उस वक्त डरा हुआ है, लेकिन ये तमाम छात्र अभी भी कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से पहले ही पुलिस ने इन छात्रों को रोक दिया, नहीं तो ये राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने के इरादे से ही बाहर निकले थे।